दुआ बखैर वाइफ के साथ हम आ चुके हैं जनाब, और हम प्रोफेसर डॉक्टर समद साहब से एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक वाकया सुन रहे थे जी। अच्छा फिर क्या हुआ डॉक्टर? इस जब इस शख्स ने सुना कि बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि इंसान पानी पे चल सकते हैं, पानी रास्ता दे सकते हैं और पहाड़ रास्ता दे सकते हैं, तो इन्होंने जाकर बिस्मिल्लाह पहला जो है वो भेड़ बकरी को बहुत दूर से किसी पुल के ऊपर ले आते हैं। लेकिन अब कहते हैं कि अब तो डायरेक्टली मैं इस तरह के ये जो दरिया है दरिया से पार करके आता जाता हूँ, तो उनको 100% यकीन हो गए। और जब वहाँ बिस्मिल्लाह उसने पढ़ा तो वाकई पानी के ऊपर भेड़ बकरियों के साथ कई 3 महीने तक आते जाते। 3 महीने के बाद उसने सोचा कि ये इतनी मज़े की चीज़ है, चलो इतनी अच्छी है तो कुछ और सीखेंगे बुज़ुर्ग से। बुज़ुर्ग के पास जब गए शख्स, बुज़ुर्ग ने उन्हें को कहा कि आपने इतना अच्छा मुझे सुना, वो इतना अच्छा चीज़ सिखाया आपने, सुन के मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो मैं आता जाता हूँ, बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि किस तरह आप क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा कि एक जो बिस्मिल्लाह आपने बताया था उसमें इतनी बड़ी ताकत है, मैं दरिया को वैसा पार करता आ जाता हूँ, पानी के ऊपर चलता फिरता। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं ऐसा है सच? उसने कहा आपने खुद कहा था, आपको यकीन नहीं? तो उसने कहा अच्छा अभी जाएं फिर मैं सिखाऊंगा किसी वक्त। तो बुजुर्ग ने रस्सी वगैरह पकड़ के दरिया में चले गए शागिर्दों के साथ। यकीन तो यहाँ पर ख़त्म हो गया कि रस्सी उसने पकड़ के, यकीन उनको नहीं था तो पानी कैसे जगह देंगे, पानी कैसे ऊपर जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर रस्सी को बांधा कमर में और अपने शागिर्दों को कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो रस्सी छोड़ देना है, अगर ऐसा किया रस्सी को जो है ना खींच देना, क्योंकि ना हो पानी ज़्यादा है डूबे कोई, ऐसा ऐसा जाती तो पानी तो जगह नहीं दे रहे। फिर लेकिन थोड़ा सा आगे चला गया, जब आगे गए तो पानी में डूब गए। तो जब भी स्विमर ऊपर आ जाते हैं, जब भी स्विमर ऊपर आ जाता है तो वो ये यहाँ से पानी के लिए यू करता है। तो वो जब उन्होंने यू किया शागिर्दों ने रस्सी छोड़ दिया और बुजुर्ग को ले गए, वो डूब गया। तो बात ये यकीन जो है वो सबसे अहम चीज होते है मेडिटेशन में। यकीन अगर है कि अल्लाह ताला सब कुछ देते हैं हमें तो कोई बुराई नहीं होता, कि यकीन होता 100% अल्लाह इस पे। हम कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ देते हैं लेकिन 100% हमारे दिल में यकीन नहीं होता है, जिसकी वजह से बुराइयां फैलते हैं सारे कुछ, जितने भी नेगेटिविटीज़ है जितने भी चीज़ें हैं, और इसकी वजह से हम रूहानी ताकतों को हासिल नहीं कर पाते या सुकून जो होते हैं वो हमारे अंदर कम होते हैं या टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे यकीन जो है अल्लाह ताला पे कम होते, सुपर पावर्स पे जो है वो सुपर पावर जो अल्लाह ने हमें दे उस पे हमें, बल्कि हमें अपने आप पे कम यकीन होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाई हैं, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात इस दुनिया में भेजे हैं और हमारी ख़ास ख़ास ड्यूटियाँ लगाई हैं जो कि हम कुछ करने को भेजा है, कुछ ड्यूटियाँ लगाएं उसको करना है, और बगैर किसी टेंशन के बगैर खौफ के बगैर कोई परेशानी के हमें करनी चाहिए। बड़ी बड़ी परेशानियाँ आ जाते हैं आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म परवाह नहीं होनी चाहिए। तो मेडिटेशन जो है ना वो तवक्कल अल्लाह पे है और ये एक कंसंट्रेशन है अल्लाह ताला की तरफ को, तवज्जो जो है वो है। तो लोग जो है ना आजकल वो रूहानी ताकतों के लिए इतना तो खास नहीं, लेकिन इनको ज़रूर इनके लिए इस्तेमाल करता है कि वो उनकी टेंशन डिप्रेशन दूर हो जाए और 100% सुकून देते हैं इंसान को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने वाकया सुनाया पानी पे चलने वाला, इसी तरह से मैं पढ़ रही थी कि कुछ ये इस मेडिटेशन के जरिए जो है बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने देखा होगा कुछ दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में भी होता है जो आग के ऊपर भी चलते हैं लोग, कोयलों गर्म कोयले होते हैं। बिल्कुल आग के ऊपर, आग के ऊपर तो मेरे स्टूडेंट्स भी चलते हैं, कुछ नहीं होता है उनको, लेवल 7 में है समदा, लेवल 7 में। ओके अच्छा। हाँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं, असल में जब हम मेटाफिजिकल दुनिया में जाते हैं तो सब कुछ पॉसिबल होते हैं।
अच्छा। फिजिकल दुनिया में नहीं है, फिजिकल दुनिया में फिजिकली तौर पे सारा कुछ करनी पड़ती है, लेकिन उसी फिजिक को आप जब इस्तेमाल करते हैं, अगर मेटाफिजिकल दुनिया के साथ टच है आप, तो उसी फिजिक्स को जब आप अपने इस्तेमाल करते हैं, तो आपको आग भी कुछ नहीं, पानी भी कुछ नहीं होते हैं इंसान को। मेरे स्टूडेंट्स आग पे चलते हैं लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, कोई ऐसे ना तो पांव जलते हैं उनके और ना ही कोई ऐसी बात होती है, क्योंकि उसमें इतना ताकत आ जाते हैं, जो उसमें इतना अल्लाह ताला पे भरोसा होते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने जो इंसान को दिए हैं, तो वो फिर एक इंसान जब समझ लेते हैं, फिर उसको ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी निजात हासिल कर लेते हैं, और बहुत जो मुमकिन नहीं होता है उसको मुमकिन बनाते हैं। ये तो मैं सिखाता हूँ और क्लासेस होती है रोज़ाना मेरी, यहाँ पर क्लासेस होते हैं रोज़ाना, क्लासेस होते हैं। मकसद इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई डरें कि पता नहीं आग पे चल के क्या होगा, इसकी किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक ज़रिए के बराबर भी नहीं है। जील साइंसेस का अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई हज़ार स्टूडेंट हैं, उसमें से एक को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, एक ज़रिए के बराबर भी नहीं हुआ। मकसद इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बग़ैर फ़ायदे के।